एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो हान है और उसके फ्रेंड जो हैं वो बैठे होते हैं, उसके फ्रेंड जो अपना हॉलीडे होमवर्क कर रहे होते हैं और वो आपस में होमवर्क से रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं कि तुम इसे ऐसे रखो, ये चीज़ों को ऐसे रखो, और जो हान है उन सबको ऐसे बैठ के देख रहा होता है। तभी जो है जनी है वो उसके रूम का जो है गेट खोलता है और वो बाहर आता है। तभी जो है उसकी जो हाना उसकी नज़र जनी पे जाती है और जो है जनी जो हाना उसे देख रहा होता है, साथ ही हान के फ्रेंड भी जो है जनी को देख रहे होते हैं और उसका फ्रेंड कहता है हे हान। तभी जो है जनी जो है हान के पास आता है और मन में सोचता है कि क्या मैं इसे हाय बोलूं, पर जो जनी हान है वो अपने फेस को घुमा लेता है तो वो छोड़ देता है और फटाफट से वॉशरूम में चला जाता है। तो और इतनी जल्दी से जाता है, तेज से डोर को बंद करता है, सबकी नज़र जो है उसी पे होती है हान की भी। तभी जो है हुई कहती है हे हान, तुम्हारा ब्रदर तो बिल्कुल तुम्हारी तरह लगता है। हाँ तभी जो है उसका फ्रेंड कहता है हे अब ये मत बोलो ठीक है, तुम्हारा जो क्रश है वो हान है। हाँ तभी जो है हान जो है वो सिगरेट पी रहा होता है और थोड़ा उदास होकर कहता है नहीं, ये बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं दिखता है, ये जो है अपनी मदर की तरह दिखता है। तो ये सारी जो बातें जन ही जो है वो वॉशरूम में खड़े होकर सुन रहा था और मन में सोचता है ओह तो हान मेरे बारे में ये सोचता है। हाँ और जो है उसकी फ्रेंड जो है वो जनी के बारे में बहुत बुराई करने लग जाते कि ये ऐसा है वैसा है कैसा है, मतलब क्या दिख रहा है, कैसा इसका बिहेवियर है। तो ये सब सुन के जो और जो है जनी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है वो चुप हो जाओ, और अंदर मन में ही सोचता है कि प्लीज़ चुप हो जाओ चुप हो जाओ, लेकिन उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी अचानक से वो गुस्से में जो है वॉशरूम के गेट को खोलता है और जो ऐसा दिखा बाहर आती वो दिखाता है कि कितनी ज़्यादा स्मेल आ रही। तभी जो उसके फ्रेंड कहते हैं हे ये क्या कर रहे हो तुम। हाँ और जाते ही वो जो है वहाँ की विंडो और पर्दे पूरे खोल देता है। हाँ वहीं खड़ा हो जाता है और सारी जो हवा है वो अंदर आ रही होती है। भी जो है उसी के बाद जो है हान जाके खड़ा हो जाता है। हाँ और उसकी फ्रेंड कहते हैं हे तुम क्या कर रहे हो, हाँ हाँ तुमने ये सब क्यों खोल रखा है। कोई उसको गाली देता है और कहता है कि बंद करो कितनी ज़्यादा हवा आ रही, तुम्हें शर्म नहीं आ रही ये सब तुम कर रहे हो, और ये सब लोग बोल रहे होते हैं। पर वहाँ से जो है जो जनिए चला जाता है तो हान जो है वहीं खिड़की के पास खड़े होकर सिगरेट पी रहा होता है। तो जो हुई है वो कहती है हे हान तुम क्या कर रहे हो, बंद करो ना हवा बहुत ज़्यादा आ रही है। तभी जो है जो हान मन में सोचते कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब ये लोग उसे बुली नहीं कर रहे पर पता नहीं कि मुझे अच्छा फील हो रहा है। तभी जो उसका फ्रेंड उसके पास आके बोलता है हे तुमने उसे सबक क्यों नहीं सिखाया, दिखाया कि नहीं कि यहाँ का बॉस कौन है। तभी जो है हान कहता है कि तुम उसे छोड़ दो, इससे मैं खुद हैंडल कर लूँगा, तुम्हें इससे कोई बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं है ठीक है। और जो है जनी वहाँ से चला जाता है। हाँ तभी जो है जनी रूम में बैठ के एक पेपर प्लेन बनाया होता है और वो सोचता है कि मैंने कुछ ऐसी चीज़ों को खो दिया है जो कि मैं कभी दोबारा नहीं पा सकता। सीन जो है वो शिफ्ट होता है, अब हम जो है स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे सारे बच्चे मस्ती कर रहे होते हैं। हम जो है हान के क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ पे उसके फ्रेंड्स होते हैं आपस में बातें कर रहे होते हैं, हाँ खूब मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। तभी अचानक से उसके फ्रेंड जो है शांत हो जाते हैं। तो जो हान का फ्रेंड है वो कहते हैं हे आखिर तुम शांत ही हो गए। तो हम देखते हैं जो उसके फ्रेंड के पीछे जो टीचर खड़ी होती है, तो सारे बच्चे शांत हो जाते हैं और टीचर कहती है कि हाँ अगर मैं तुम लोगों को थोड़ी देर के लिए ब्रेक दूँ तो तुम इस तरीके से बिहेव कर दो क्लास के अंदर, हाँ तुम जो है थर्ड ग्रेड में आ गए हो, हाँ और तुम्हें जो है सिखाना ही पड़ेगा मुझे किस तरीके से रहते हैं। तभी जो है वो जो हान का फ्रेंड है वो कहता है टी कोई ज़रूरत नहीं है टीचर, अब हम सीख चुके हैं अब हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तभी जो है टीचर अपनी जगह पर जाती है और कहती है कि आज हमारे जो है क्लासरूम में एक न्यू स्टूडेंट आने वाला है और उसे जो है बुलाती हैं जो कि जनही होता है, और जनही जो है रूम के अंदर आता है। तो सभी जो है हान के फ्रेंड उसे देख रहे होते हैं और कहते हैं ओ ये। तभी टीचर जो है वो कहती है कि तुम अपने बारे में लोगों को बताओ, इंट्रोडक्शन अपना कराओ। तो जो जनही है वो कहते हैं नहीं मुझे किसी से कोई इंट्रोडक्शन अपना नहीं करवाना। तो टीचर कहती है अच्छा ठीक है इस लाइन की जाके लास्ट सेकेंड डेस्क पे जाके बैठ जाओ। तो कहता है ओके। तो वो अपनी जैब की सीट पे बैठ रहा होता है और टीचर जो है जनी का इंट्रोडक्शन सबसे कराती है, मतलब टीचर खुद जनी के बारे में बताती है बच्चों की कौन है क्या करता है कहाँ से आया है
ये सारी चीज़ें। तभी जो है जो जनी है वो जा रहा होता है, सोचता है कि टीचर यहाँ पे जो है हान का नाम क्यों नहीं लिया, हान यहाँ पे है भी नहीं। हाँ और यहाँ पे सारे हैं बस हान ही नहीं है, वो है कहाँ पे। तभी जो है वो अपनी सीट पे जाके बैठता है, तभी जो है उसकी बगल में एक लड़की होती है, वो कहती है हाय मेरा नाम जो है यही कॉन्ग है, और तुम? तो जनी कहते मेरा नाम जनी है। तो कहती है ओह हाँ, तुम्हारे बारे में तो मुझे अभी टीचर ने बता ही दिया, तुम जो है शिफ्ट हो करा रहे, पहले किसी और स्कूल में पढ़ते थे। तो कहता है हाँ। तभी जो है हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है हान आता है और कहता है वहाँ टीचर को, कहता है टीचर मुझे माफ़ कर दो, आज मैं लेट हो गया आने में, मैं सुबह जल्दी नहीं आ पाया मॉर्निंग क्लास के लिए, मीटिंग के लिए। तभी जो है टीचर हान को देखती है और गुस्से में कहती है कि हान हाँ तुम स्पोर्ट्स के स्टूडेंट हो, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हमेशा जो है यहाँ पे क्लास में लेट आते रहोगे, अभी जो है इसके बाद तुम मुझसे जो है अभी मेरे ऑफिस में आके मिलना, ठीक है। फुल हान है वो नॉर्मली कहता है ओके टीचर मैं आ जाऊँगा, और जो है हान जाके अपने सीट पर बैठ जाता है। हान की जो सीट है वो जनी के पीछे ही होती है। तो हान जो है मन में सोचता है कि ये जो है जनी को देख के सोचता है ये मेरा छोटा भाई है, और जो जनी है वो मन में सोचता है कि अगर मैं इसे अपना जनी जो है वो सोचता है अगर मैं हान को अपना बड़ा भाई बोलूँ तो उसका क्या रिएक्शन होगा, और पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा। छोड़ो रहने दो मैं कुछ नहीं बोल रहा, वैसे भी वो अभी गया तो उसने ऐसा दिखाया कि जैसे उसने मुझे देखा ही ना हो, तो मैं अब उसे कुछ भी नहीं बोलूँगा, मैं भी अब उसे जो है इग्नोर करूँगा। उसके बाद हम देखते हैं थोड़ी देर बाद उनकी जो है थोड़ी देर के लिए ब्रेक होती है। तभी जो है सारे बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं टेस्ट के बारे में कि ओ हमारा टेस्ट हुआ था हॉलीडे में, तो मैंने पढ़ा था पर मुझे अब याद ही नहीं हुआ हमारा टेस्ट हो गया, अब मुझे याद भी नहीं मैंने क्या लिखा है। तभी जो है क्लासरूम में टीचर आते हैं और सबके टेस्ट पेपर सबको दे रहे होते हैं कि इतने इतने तुम्हारे मार्क्स आए। तभी जो है हान का नाम आता है और टीचर जो है गुस्सा करते हैं कि हान इस बार भी तुमने जो है अपना पेपर पूरा ब्लैंक छोड़ा है। तभी जो है ये कौन है वो हुई से बोल रही है कि क्या आज तुमने हान को अपना पेपर नहीं दिखाया। ये सारी जो बातें हैं वो जनी भी सुन रहा होता है, मन में सोचता है कि हान कितना ज़्यादा लकी है, और हान के जो फादर हैं उन्होंने टीचर को कहा है कि वो हान का पूरा ख्याल रखे, और हान के जो फ्रेंड है वो भी कितने ज़्यादा अच्छे हैं, हान का स्टडी में खेल में हर चीज़ में उसका कितना ज़्यादा स्पोर्ट्स सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें सोच रहा होता है, तभी उसके टेबल पे जो है ड्रिंक करने वाली ग्लास बॉटल रखी होती है जिस पे बॉल लग के गिर जाती है। तभी जो है यांग कॉन्ग कहती है जनी तुम्हारे कपड़े ठीक है, तभी जो है उसका फ्रेंड कहता है शॉर्ट तो अच्छा था, तभी जो है दूसरा फ्रेंड कहता है कि हाँ पर ठीक था पर बहुत आसान था, तुम मेरे से बैट लगाओ तब देखते हैं। तभी जो है वो उसका जो हान का फ्रेंड है वो कहता है मुझे माफ़ कर दो, हाँ ये जो है तुम्हारे कपड़े ख़राब हो गए, ये लो इसके बदले तुम जो है 50 yuan rupees ले लो। तो ये पैसे का नाम सुन के जो है जनी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जो है खड़ा होता है हाँ, और उस बॉल को जो अपने हाथ में ले रखता है और कहता है ये बॉल जो तुम्हारी है। तो जो उसका फ्रेंड जो है कहता है क्या कर रहे हो तुम, हाँ क्या करने जा रहे हो तुम, एक सेकेंड रुको, अगर तुमने इस बॉल को कहीं फेंका ना अगर किसी को लग गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएगी, हे रुको मैंने कहा बॉल का कुछ मत करना। तभी जो है जनी ही है उस बॉल को उस विंडो से बाहर फेंक देता है। तो जो हान का फ्रेंड है कहता है हे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, वापस बॉल को लेकर आओ, अभी जाओ लेकर आओ बॉल को। जनी जो है वो कहता है अच्छा अगर तुम्हें इतने ही अपना बॉल चाहिए तो जाओ ना तुम ढूंढ लो और अपने बॉल को वापस ले आओ। तो ये सुन के उसके फ्रेंड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जो है जनी को एक पंच मारने वाला होता है। तभी वहाँ पे हान आ जाता है और कहता है क्या कर रहे हो और ये सब जो है यहाँ पे क्या चल रहा है। हाँ तो जो हान का फ्रेंड है वो कहता है हान देखो ना जनही ने जो है बॉल को जो है इस बिल्डिंग के बाहर फेंक दी, ये तुम्हारी बोला जो कि तुम बास्केटबॉल तुम्हारी बास्केटबॉल जो है तुम इसे यूज़ करते हो। तो जो हान है वो कहता है अच्छा ठीक है तुम इसे छोड़ो। तभी जो है हान का फ्रेंड उसे जनही को नहीं छोड़ रहा होता है, तो हान ने कहा मैंने बोल हान कहता है कि मैंने कहा उसे छोड़ो। तब जो है हान का फ्रेंड जो है जनी को छोड़ देता है। तो हान जो है वो जनी से पूछता है कि क्या ये बॉल तुमने फेंकी है, तो जो जनी है वो कहते हैं हाँ पर तो उसके आगे जो है हान उसकी कोई बात कहते ठीक है कराओ। तो ये सुन के जो जनी है वो कहते क्या, और कहते हैं पर मेरी बात तो सुन लो मैंने ऐसा किया क्यों है।
हाँ जो वो कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्यों किया है, बस तुमने फैक्ट तुम जाओ और उसे लेकर आओ। तो ये सुन के जो जनी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है मैं बिल्कुल नहीं लाऊंगा। तभी तो हान जो है जनी का हाथ पकड़ लेता है, तो कहता है ठीक है तो तुम नहीं लाओगे तो सेम इसी तरीके की बॉल मुझे खरीद कर दो। हाँ और वैसे भी तुम्हारी जो मॉम है वो तो तुम्हें प्रिंसेस की तरह रखती है, तुम्हारे पास तो पैसे की कमी नहीं है, तो तुम तो मुझे एक बॉल ला के दे ही सकते हो ना। तो ये सुन के जो है जेनी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जो है अपना हाथ जो है हान से हटाता है और उसे ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वो जो है जनी जो है वो हान को एक पंच मारने वाला होता है और वो रो रहा होता है जनी। तभी जो है हान जो है उसके पंच को रोकता है। तभी जो है पीछे से हुई जो है वो कहती है टीचर क्लास में आया, वो तुम्हें बुला रहा है, तुम्हें स्टाफ रूम में जाना है। तभी जो है हान जो है जनी को छोड़ देता है और कहते है कोई भी तुम्हें क्या लगता है तुम बच गए हो। उसके बाद जो है वो स्टाफ रूम के लिए चला जाता है। तो याई कॉन्ग जो है वो कहती है चलो अपनी सीट पे बैठ जाओ, पर पता नहीं जो है जनी को गुस्सा आता है और वो फटाफट ऐसी जो है भागते भागते क्लासरूम से दूर चला जाता है और मन में सोचता है अपने 10 साल पुराने सीन को याद करता है कि अब पहले जैसा कुछ भी नहीं है। मैंने सोचा था कि अब जो है हम फिर से पहले की तरह भाई भाई बन जाएंगे जैसे हम 10 साल पहले रहा करते थे। तो 10 साल पहले का हम सीन देखते हैं जिसमें जो है जिन्हें को कुछ बच्चे जो बुली कर रहे होते हैं। तभी जो है वहाँ पे हान आता है और कहते हैं तुम्हारे साथ ये किसने किया जल्दी मुझे बताओ। तभी जो है वो उन बच्चों के पास जाता है और उन बच्चों को बहुत मारता है जिन्होंने जनी को बहुत ही ज़्यादा बुली करा होता है और कहते हैं तुम्हारी और जो है हान कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को परेशान करने की, उसने बहुत मारता। उसके बाद जो है वो जनी के पास जाता है और कहते हैं अब तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा तुम ठीक हो, और वो जो है जनी को गले लगा लेता है। तो फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि कहता है जो जनी है वो कहता है अब ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे पता चल गया है कि तुम जो है मुझसे कितनी ज़्यादा नफरत करते हो। हम देखते हैं जो हान है वो अपने क्लासरूम में सीट पे बैठा हो, तब जो है वो कहता है वो अचानक से ऐसे भाग गया, वो हमें जो हमारा फुटबॉल कब देगा, क्या वो हमें कल देगा। तभी जो है हान कहता है कि जाओ तुम खुद जो है इस फुटबॉल को लेकर आओ, वैसे भी ये सारी जो चीज़ें तुम्हारी वजह से ही हो रही है, सारी गड़बड़ जो है वो तुम्हारी वजह से ही तो हुई है। तभी जो उसका फ्रेंड कहता है हे मैं तो तुम्हारी साइड ले रहा था तुम ऐसे कैसे क्यों कह रहे हो। तभी जो है हान जो अपने मन में वो जो है जनी का रोते हुए आंखों को याद करता है और मन में सोचता है कि मुझे पता है ये तुम्हारा कोई फन नहीं था, तुमने उसको टारगेट बनाया है। इसी के साथ हमारा ये जो एपिसोड है यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, बाय।